Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss one more mock test for CBSC class 10, Information Technology, Subject Core 402. I hope you have watched my previous videos also in which we have discussed mock test 1 and 2 and even competency based questions also. If not, no issue. I will provide you the link of those videos in the description of this videos also. Plus you can check it out here in this I button also. So now without any delay let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel or channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai to what are you waiting for? फटाफट से channel को कर दो subscribe और साथ में उस bell icon को भी press कर दो, so that आगे आने वाले सारी videos की notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और हाँ अगर आप वीडियो पसंद आए, तो एक like तो वीडियो को जरूर बनता है. So now without any delay let's start our today's video. so as you can see, this is the blueprint or you can see the marking scheme for your question paper. your paper will be divided into three sections, section a, b and then c. section e, hoga in that, six questions will be there. out of those six questions, you have to attempt any five. और वो जो सिक्स क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में दैट विल बी फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सो अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में थ्री यूनिट है यूनिट वन कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट टू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड यूनिट थ्री आईसीटी स्किल्स टू क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम ईच यूनिट टोटल सिक्स क्वेश्चन एंड आउट ऑफ दो सिक्स क्वेश्चन और जो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी है इट विल बी फ्रॉम दैट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स

Out of those 20 questions, you have to attempt any 15 questions. And this will be from the part B, that is subject-specific skills. section C in that total 7 questions will be there, and out of those 7 questions, you have to attempt any 5. So now let's start with our first question of section A. This is from section A. That means from employability skills. Now the question is.

लैंग्वेज बैरियर में क्या होगा बेसिकली मीन्स दोनों जो पर्सन है डिफरेंट लैंग्वेज जानते हैं अब वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो वहां पर हमारे पास क्या आ गया कम्युनिकेशन बैरियर फॉर एग्जाम्पल फाइम स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली ये सारा का सारा जो मैं एक्सप्लेन करूंगी कंसेप्ट दैट इज इन इंग्लिश ओनली अब अगर आप में से कोई व्यूअर है जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है सिर्फ हिंदी समझ में आती है तो दैट मीन्स देर इज अ बैरियर तो वहां पर हमारे कम्युनिकेशन में क्या होगा बैरियर मीन ऑब्स्टेकल आ जाएगा नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ आई होप आप सबने भी अभी तक अपना गोल सेट जरूर कर रखा है अगर नहीं किया जरूर सेट कीजिए तो इन दिसज इन द स्मार्ट मेथड जो हमारा गोल सेट करने का मेथड है दैट इज नॉन एज स्मार्ट मेथड अब इस स्मार्ट मेथड की मेरे पास कंप्लीट क्या है फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन में सिर्फ किसकी पूछी है दिस अल्फाबेट एस ऑप्शन ए सिंपल बी स्पेसिफिक सी सिंगल एंड इज इज सिस्टम सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी दैट इज स्पेसिफिक वही अगर हम फुल फॉर्म्स की इसकी बात करें कंप्लीट एब्रीवियन की जो आपका स्मार्ट गोल सेटिंग है एस इज फॉर स्पेसिफिक मीन्स आपका जो गोल है दैट मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए बल होना चाहिए रियलिस्टिक एंड टाइम टाइम आउट नाउ नेक्स्ट इज अमरी बफर प्रोवाइडेड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर डेटा फॉर शॉर्ट टर्म इन एप्लीकेशन इज नोन एज डैश कॉपी बोर्ड फाइल क्लिप बोर्ड एंड देन मेमरी बोर्ड तो आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज क्लिप बोर्ड आपने जब फोन में भी कोई टेक्सट कॉपी करते हो तो लिखा हुआ था टेक्स्ट कॉपी टू क्लिप बोर्ड जो हम पेस्ट करते हैं वो एक्चुअल में कहां पर होता है फ्रॉम क्लिप बोर्ड के डॉक्यूमेंट में पेस्ट होता है सो इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी बफर एरिया टेम्परेरी आप क्लियर कर देते हो तो आपका जो क्लिप बोर्ड में टेक्स्ट है वो नहीं रहेगा और बफर अ काइंड ऑफ स्टोरेज स्पेस और स्टोरेज एरिया यू कैन से सो अलिप बोर्ड इज अ टेम्परेरी मेमोरी बफर वेयर डेटा इज स्टोर फॉर शॉर्ट टर्म इन आवर कंप्यूटर एप्लीकेशन नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर थ्रू लेटर अब मींस आई एम द रिसीवर मुझे सेंडर ने एक लेटर सेंड किया है ठीक है ये लेटर मेरे पास आया ये मैंने रिसीव किया आई एम द रिसीवर ठीक है अब मैं इसको कौन से मेथड से यूज करूंगी लिसनिंग अब लेटर मेरे पास आया सेंडर ने बोलकर कुछ नहीं दिया तो दैट मींस आई विल नॉट लिस्टन स्पीकिंग आई एम रीडिंग दैट लेटर ठीक है तो दैट मीन्स स्पीक भी नहीं करना है वो तो सेंडर ने लिख करके दे दिया रीडिंग ठीक है ये ऑप्शन सूट कर रहा है कि अगर सेंडर ने मुझे लेटर सेंड किया है तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लाइबल रीड दैट लेटर राइटिंग नो राइटिंग पार्ट इज बींग डन बाय द सेंडर सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी रीडिंग नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव अ डैश इज एन इमेज दैट इज अवेलेबल ऑन योर डेस्कटॉप टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन वेरी इजी क्वेश्चन ऑप्शन इज आइकन फाइल फोल्डर एंड नन ऑफ दीज सो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हम उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते सिक्स डैश इज अकूल ऑफ हिंदो फिलोसफी विच रिड्यूसेस स्ट्रेस इंक्लूड सीरीज ऑफ पोस्टर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजिस To of body and mind. So, पर जो करेक्ट आंसर होगा की बात हो रही है माइंड और बॉडी को मुझे कंट्रोल करना है फ्रॉम सेक्शन ए नाउलूव टू अवर सेक्शन बी दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स Now next is the shortcut key to open styles and formatting window is dash. अगर मुझे styles and formatting window को open करना है इसके base पर आपका एक question तो आ सकता है कि कौन से menu में है ये So this is in format menu. और जो shortcut की इसके लिए use होगी that is F11. Let me show you this practically. Now see this is my open office writer. यहाँ पर हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देर वी आर है ऑप्शन ऑफ स्टाइल्स एंड एंड फॉर्मेटिंग यू कैन सी इट ऑल्सो दिस इज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग एंड द शॉर्टकट इज एफ इलेवन तो जैसे हम यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपकी ओपन हो चुकी है फ्रॉम हेयर यू हैव टू क्लिक राइट सो दिस इज माई स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एट राइट हैंड साइड और अगर वहीं पर मुझे मेन्यू यूज करना हो तो विच मेन्यू विल बी यूज फॉर्मेट मेन्यू शॉर्टकट की F11। इलेवन सो शॉर्टकट की टू ओपन एज एफ रीड आउट न्यू स्टाइल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड एंड राइटर बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस F11। एलेवन अगर मुझे अपना कस्टम स्टाइल क्रिएट करना है न्यू स्टाइल क्रिएट करना है इसको क्लोज कर देफ्ट प्लस एफ इलेवन तो मेरे पास डायरेक्ट ये स्टाइल को क्रिएट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो तो देन योर आंसर इज बट अगर क्वेश्चन में आता है न्यू न्यू स्टाइल स्टाइल कैन बी क्रिएटेड या फिर कस्टमाइज स्टाइल इन विल बी क्रिएटेड एंड राइटर बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एफ इलेवन नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट अंडर स्टेटिस्टिकल फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक कैटेगरी होती है दैट इज स्टेटिस्टिकल फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन इस तरीके से तो आपका जो एवरेज मैक्स एंड मीन दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेटिस्टिकल फंक्शन जो इफ है आपका दिस इज योर लॉजिकल फंक्शन राइट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज लॉजिकल फंक्शन इफ फंक्शन सॉरी ऑप्शन ए दैट इज इफ If इफ फंक्शन इज और ये आपको टू इन करके देगा की बात करें तो वहां पर मेरे पास ये सेल में अगर मैंने कोई value लिखी इन सेल को मैं अपना मीन्स इस रेंज ऑफ सेल को मैं अपना खुद से नेम दे सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफाइन रेंज ऑप्शन राइट

पूजा प्रियंका एंड देन सोनिया राइट यहाँ पर हमने नेम्स लिख दिए यहाँ पर हमने मार्क्स लिख दिए लेट्स सपोज मैथ्स और यहाँ पर हमने लिख दिए आई टी राइट right? यहाँ पर अगर आपने बॉर्डर अप्लाई करना हो तो दैट यू कैन ऑल्सो डू फ्रॉम हियर ठीक है ये हमारा हेडिंग पार्ट हो गया नाउ सी दिस वेरी केयरफुली आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस रेंज ऑफ सेल अब इसका मेरे पास क्या है बी टू Colon B6. तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगी टू चेक इट आउट हियर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर मेरे पास जो रेंज है सेल की दैट इज इसको नेम करने के लिए व्हाट यू कैन डू इसको सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पर ही टाइप कर दो दैट इज मैच डिफाइंड नेम फॉर रेंज यहाँ पर वे लिखा हुआ गया एंड देन सिंपली प्रेस एंटर की तो अब जब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगी अब यहाँ पर बी टू कॉलम बी सिक्स की बजाय क्या लिखा हुआ रहा है नेम ऑफ अ रेंज तो जैसे आप पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप अपनी रेंज को नेम दे सकते हो लेट सपोज मैंने दिया आई टी इसको आपने कर दिया एड एंड क्लिक ऑन ओके बटन तो ये जो आपकी रेंज का नेम क्या हो गया आई टी अब सपोज मैंने ये सेल सेलेक्ट कर रखा है राइट अब मैंने किस पर क्लिक करा डेटा मेन्यू एंड देन सेलेक्ट रेंज अब अगर मुझे अगर आप इसको तो यहाँ पर आपको रेंज क्या दिख जाएगी मैथ इसको भी अगर आपने एड ऑन करना हो जस्ट क्लिक ऑन डेटा मेन्यू एंड रेंज यहाँ पर हेयर वी कैन राइट मैथ एंड अब सपोज मैंने ये निशा वाले नेम का सेल सिलेक्ट किया डेटा मेन्यू पर गए सेलेक्ट रेंज पर क्लिक किया नाउ आई एम हैविंग टू ऑप्शंस आईटी पर क्लिक करके ओके okay करेंगे तो आईटी की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी सिमिलरली अगर मैथ्स का कर क्लिक करके ओके okay करेंगे तो मैथ्स की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी तो दैट मींस हमने अपनी रेंज को एक नेम दे दिया विद द हेल्प ऑफ डेटा मेन्यू एंड देन डिफाइन रेंज ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 डैश एंड डैश रेफर्स टू सेलेक्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन मूविंग इट बाई होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड प्लेसिंग इट इन डॉक्यूमेंट वेयर इट इज रिक्वाडी अब इसको मैं पर देखो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक इमेज सर्च कर ली लेट सपोज दिसन इन द क्वेश्चन ये इमेज है मैं इसको लेफ्ट माउस बटन दिस इज माई लेफ्ट माउस बटन इसको मैं लेफ्ट ऐसे होल्ड करके यहाँ पर इमेज को ला रही हूँ तो दिस इज ड्रैग एंड ड्रॉप सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप ठीक है कट पेस्ट या फिर मूव पेस्ट हमने नहीं किया कॉपी पेस्ट तो आप सबको पता है कि उसकी एक मल्टीपल कॉपी भी होगी बट कट पेस्ट नहीं किया मैंने क्या किया क्वेश्चन में क्या गिवन है मूविंग इट बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन तो अगर मैं लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके उसको मूव कर रही हूँ तो देन इट विल बी योर ड्रैग एंड ड्रॉप कौन कौन से ऑप्शन होते हैं फॉर दैट वी है जितने भी आपके वर्टिव एनालिसिस टूल्स हैं वो आपके टूल्स मेन्यू में है इवन इन योर योर मैक्रोज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इन टूल्स मेन्यू बट हम कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्वर का सो दिस यू कैन सी दिस इज इजर डायलॉग बॉक्स हियर वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ टारगेट सेल एंड देन ऑप्टिमाइज रिजल्ट सेट टू इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं वैल्यूज को बाय चेंजिंग सेल लिमिटिंग कंडीशन तो यहां पर मुझे सोर्स सेल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है सो दैट मीन जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज

अब मैंने यहाँ पर शिफ्ट की या कंट्रोल की ऑल्ट की कोई भी की प्रेस नहीं कर रखी है तो अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाहूँ किसी भी तरीके से तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ बट क्वेश्चन इज उसकी जो हाइट और विर्थ की रेशियो है वो मुझे मेंटेन करके रखनी है तो दैट मीन्स इनमें से मुझे कोई की प्रेस करनी है नॉट आई एम प्रेसिंग द शिफ्ट की वाइट ड्रॉइंग द सर्कल तो इसकी जो हाइट और विर्थ है वो एकदम मेंटेन हुई है इक्वल है राइट right? तो यहां से आप ये तो बात की बात गई इसकी कलर फॉर्मेटिंग ये सब चेंज कर सकते राइट right? ठीक है तो अब जैसे मैं shift key press करूंगी तो मेरा सर्कल की जो एस्पेक्ट रेशियो है विथ दैट विल बी सेम. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज शिफ्ट की नेक्स्ट इज डैश टोटल्स एड्स और डेटा

Then center, justify, middle, इस से। तो इसमें सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ डैश एंड अ डैश अगर हम ओपन ऑफिस केल्क की जो हमारी स्प्रेडशीट है उसकी बात करें तो दीज आर माई रोज एंड दीज आर माई कॉलम्स राइट अब क्वेश्चन क्या इंटरसेक्शन ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट राइट दीज आर माई इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये सारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका क्या है सेल तो अब ये कौन से पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं टेक्स्ट और नंबर रो और कॉलम शीट और कॉमल कॉलम एंड शीट और रो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज रो एंड कॉलम तो यहां से ये मेरी रो जा रही है ये कॉलम जा रहा है तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं ये मेरी रो है ये कॉलम है ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया राइट सो अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम नाउ नेक्स्ट इज मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन विद अ लिस्ट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंट्री इन द लिस्ट दिस लिस्ट इज कॉल्ड एज डैश अब आपको सिर्फ किसका बताना है लिस्ट का तो उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए दैट इज डेटा सोर्स जब भी हम मेल मर्च का कॉन्सेप्ट करेंगे एक तो मेरे पास मेन डॉक्यूमेंट होगा होगा जिसमें वो टेक्स्ट जो मुझे सेंड करना है एक मेरे पास डेटा सोर्स की फाइल होगी जिसमें उन सबका एड्रेस मिस डिटेल्स होंगी टू हूम आई वॉन्ट टू सेंड दिस लेटर प्लस जो फाइनल मेरा रेडी होगा दैट विल बी माई मर्ज डॉक्यूमेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन डैश स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल इनशीट और मुझे करना है सोलवेयर का डायलॉग बॉक्स भी ओपन करके दिखाया है कि उसमें आपके जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अगर मुझे किसी वैल्यू का करना हो तो दैट ऑल्सो वी कैन डू नॉ नेक्स्ट इज द मैक्रो ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर विच मैन्यू टूल्स मेन्यू

राइट right? जो हमारे डेटा बेस सर्वर होंगे वो तो काफी पावरफुल कंप्यूटर होते हैं कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो दो चीजें होती है बेटा फ्रंट एंड और बैक एंड बैक एंड में आपके जो माई एस्यू एल सी एस फाइल ये सब आ जाते हैं कि कहां पर मेरा डेटा स्टोर हो रहा है जो एक्चुअल वर्किंग है प्रोग्रामिंग पार्ट है दैट इज बिंग डन एट द फ्रंट एंड सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज फ्रंट एंड

एंड देन न्यू ऑप्शन एंड देन टैम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट सो ये जो मेरे uh, templates बने हुए हैं ऑलरेडी तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो विच वन यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दट इज फाइल मेन्यू पर जाएंगे फिर न्यू पर जाएंगे फिर मेरे पास ऑप्शन आएगा टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट ना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री

Now say this till section B. Means till question number 26. We were uh, section B was there. Now from question number 27, ab jo hamara section start hoga that is section C. Is the questions that will be competency-based questions. This situation given hogi? based on that, you have to write your answer. Now say this question: you have been assigned a collaborative project in mathematics. Collaborative project means

Next is question number 29. Sahana is an editor working with a publishing house. She has received a document on and while editing. She realized that some of the images used in the document are not properly modified. The contrast of these images is too soft and she wants to increase the contrast. Now suggest the filter effect she can use to increase the contrast of such images and the image will look better. जहां पर क्वेश्चन में आ जाए कि कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है सो फॉर दैट वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ शार्पन अगर मुझे उसको स्मूथन करना है तो उसके लिए स्मूथ ऑप्शन होगा बट इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ दैट इमेज सो मुझे उसको इमेज को क्या करना पड़ेगा शार्पन ग्राफिक फिल्टर जो है वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा नॉ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अस ऑन टाइगर्स

he does not have to open the sheet to know the state name. So that means हर एक sheet को वो अपना sheet का name दे दे जिस state की वो data है उसमें. So that means उसको कौन सा option use करना पड़ेगा? Option A that is renaming the sheets. हर एक sheet को उस means जिस sheet में जिस state का data उसको हम क्या कर देंगे? Rename कर देंगे. Now next is Anjali is the timetable in charge in a school. Since the new section is round the corner, she needs to prepare a timetable for the coming session.

So the columns which are able to become the primary key are known as your candidate. Key. So the correct answer is option B, that is candidate key. Now the last question is question number 33. Mr. Rao is working as an account officer in an organization. He is preparing a spreadsheet to calculate the gross salary of each employee working in a department. Also he has to format the spreadsheet in a certain way.

बट अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सो टू चेक ऑफ 100 हंड्रेड प्लस्यूज फ्रॉम इच यूनिट डू चेक इट आउट एंड आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आयोग एंड इफ यू शेयर यूर व्यूज इन दमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड डू प्रेस द लाइक बेटर And if you have not subscribed my channel, do subscribe right now and press the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. Till now, keep watching, keep smiling and keep studying. Thank you.